अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, आज हम चैप्टर नंबर 9 शुरू कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी प्लेन में दो पॉइंट ड्रा करते हैं तो उन दोनों पॉइंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हम किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो लेट करते हैं पी एक्स वन और वाई वन इसके कोऑर्डिनेट हैं, एक पॉइंट है, एंड दूसरा पॉइंट है क्यू और इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स टू वाई टू आर टू पॉइंट्स इन प्लेन। स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू देन। तो ये डी जो है डिस्टेंस, इसको मालूम करने के लिए हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो लाइन सेगमेंट बनेगा इसकी लंबाई इक्वल है स्मॉल डी के, और स्मॉल डी को हम मैथमेटिकली कैसे फाइंड आउट करेंगे कि रूट एक्स स्क्वेयर एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। तो एक्स कोऑर्डिनेट सेकेंड पॉइंट का, ये जो बाद में जो पॉइंट इस्तेमाल हुआ है उसमें से पहले पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, और दूसरे पॉइंट का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसमें से पहले पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर। सॉल्व करने से हमें जो आंसर हासिल होगा वो दोनों पॉइंट पी और क्यू के दरमियान डिस्टेंस होगा। तो एक्सरसाइज है 9.1 और क्वेश्चन है हमारे पास 1 और ए पार्ट है। हमारे पास दो पॉइंट हैं ए 9.2 और बी दूसरा पॉइंट है 7.2। इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस मालूम करना है। तो लेट करते हैं स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी देन। डी की वैल्यू मालूम की जा सकती है एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर की मदद से। यहां पर एक्स वन 9 है, एक्स टू वाई वन 2 है, यहां पर एक्स वन 9 वाई वन 2 और एक्स टू 7 और वाई टू 2 है। तो ये वैल्यूज यहां पुट करते हैं। तो डी आपको हासिल हुआ दी गई वैल्यूज से, एक्स टू की जगह रखेंगे 7 माइनस एक्स वन की जगह 9 होल स्क्वेयर
वाई टू की जगह रखेंगे टू माइनस वाई वन की जगह भी टू होल स्क्वायर, डी आपको हासिल हुआ। माइनस टू होल स्क्वायर प्लस जीरो होल स्क्वायर, तो माइनस टू का स्क्वायर प्लस फोर प्लस जीरो, तो d इज इक्वल टू फोर रूट और d की वैल्यू हम टू ले, तो फोर का स्क्वायर रूट टू, हमने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि लेंथ जो होती है लंबाई वो नेगेटिव नहीं होती। तो दोनों पॉइंट ए और बी के दरमियान जो फासला है वो है टू। क्वेश्चन नंबर वन और बी पार्ट, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं टू कॉमा माइनस सिक्स और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं थ्री कॉमा माइनस सिक्स। ए और बी के दरमियान हमने डिस्टेंस या फासला मालूम करना, तो लेट करते हैं स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पॉइंट बी। फार्मूले की फॉर्म में लिखते हैं तो डी इज इक्वल टू रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। वैल्यूज प्लेस कर, x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह 2 होल स्क्वायर और y2 की जगह माइनस 6 माइनस माइनस 6 होल स्क्वायर। तो यहां सिंप्लीफाई करने से हमें हासिल हुआ 1 होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 6 होल स्क्वायर, तो वन का स्क्वायर वन और यहां जीरो स्क्वायर आ जाए, तो हमें वन प्लस जीरो हासिल हुआ। तो ये वन रूट और फाइनल डी की वैल्यू या डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, वन का स्क्वेयर रूट लेंगे तो वन ही आंसर आए, तो वन। क्वेश्चन नंबर वन सी पार्ट, पॉइंट ए है आपके पास माइनस एट कॉमा वन, पॉइंट बी है आपके पास सिक्स कॉमा वन, दोनों के दरमियान डिस्टेंस आपने मालूम करना है, तो लेट कर लेते हैं डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान जो फासला है वो डी है, तो मैथमेटिकली डी को लिखेंगे d इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर माइनस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर होल रूट। तो वैल्यूज प्लेस करते हैं, एक्स टू की जगह सिक्स रखेंगे, एक्स वन की जगह पे माइनस एट होल स्क्वेयर माइनस वाई टू की जगह वन माइनस वन होल स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो सिक्स प्लस एट होल स्क्वायर माइनस जीरो होल स्क्वायर। तो हम यहां इसको फोर्टीन होल स्क्वायर, ये सॉरी प्लस है
जीरो लिख सकते हैं, और जीरो किसी भी नंबर में ऐड हो तो वही नंबर रहता है, तो ये 14 का स्क्वेयर भी है। आप इसको 14 का स्क्वेयर लेकर 196 भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी रहने दें तो लिख रहने दे सकते हैं, तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 14। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 14। क्वेश्चन नंबर 1, और हमारे पास डी पार्ट है। पॉइंट ए है आपके पास -4, √2, और बी पॉइंट है आपके पास -4, -3। लेट करते हैं डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन मैथमेटिकली अगर आप लिखें तो डी इज इक्वल टू √(x^2 − x^1)² प्लस (y^2 − y^1)² होल रूट। वैल्यूज प्लेस करते हैं तो डी इज इक्वल टू -4, ये माइनस माइनस फोर ये होल स्क्वेयर प्लस (y^2 − 3), और यहां पर -√2 होल स्क्वेयर। तो -4 और +4 होल स्क्वेयर, यहां देखें दोनों में से माइनस कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो 3 + √2 होल स्क्वेयर। अब यहां आ गया 0 होल स्क्वेयर प्लस माइनस का स्क्वेयर प्लस, और ये बन जाएगा 3 + √2 होल स्क्वेयर। आपको हासिल हुआ 0 + 3 + √2 होल स्क्वेयर होल रूट। आप 0 किसी भी नंबर में ऐड करें तो नंबर चेंज नहीं होता, तो 3 + √2 होल स्क्वेयर होल रूट इक्वल। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो हमें डी की जो वैल्यू मिली वो 3 + √2 हासिल। क्वेश्चन नंबर 1 और ई पार्ट है। पॉइंट ए है आपके पास (3, −11), पॉइंट बी है आपके पास (3, −4). तो लेट करते हैं स्मॉल डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, देन डिस्टेंस फार्मूला लिखते हैं डी इज इक्वल टू (x^2 − x^1)² प्लस (y^2 − y^1)². वैल्यूज प्लेस करते हैं तो डी इज इक्वल टू, हमारे पास (x^2) की वैल्यू है -4 और (x^1) की वैल्यू है -3 आ जाएगी। (y^2) की वैल्यू, सॉरी यहां पर ये 3 है तो ये +3 आपके पास आएगा, यहां (y^2) है -4 - और -11
होल स्क्वायर। प्लस थ्री और माइनस थ्री कैंसल हो गए एक दूसरे के साथ, जीरो आंसर आया। माइनस फोर प्लस अलेवन, जीरो प्लस सेवन होल स्क्वायर। तो यहां जीरो किसी भी नंबर में ऐड हो तो वो नंबर चेंज नहीं होता, तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं, सेवन होल स्क्वायर। तो डी की लास्ट वैल्यू हमें मिली, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो सेवन। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू सेवन। क्वेश्चन नंबर वन और एफ पार्ट है आपके पास। ए पॉइंट जीरो जीरो कोऑर्डिनेट हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जीरो कॉमा माइनस फाइव। तो लेट करते हैं डी बी द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देन मैथमेटिकली लिखेंगे डी इज इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वेयर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। वैल्यूज प्लेस करते हैं, एक्स टू की जगह पे हम लिख सकते हैं जीरो और एक्स वन की जगह पर भी जीरो, वाई टू की जगह पर माइनस फाइव और वाई वन की जगह पर जीरो। तो जीरो स्क्वेयर माइनस फाइव होल स्क्वेयर। तो यहां जीरो प्लस ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव और 25 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो 5 हासिल हो जाए। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर टू है, पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्स और क्यू जो है बी द पॉइंट ऑन वाई एक्स। तो फर्स्ट पार्ट है, इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि ए कॉमा जीरो और इस लिहाज से बी कॉमा जीरो कॉमा बी, क्योंकि क्यू वाई एक्सिस पे है। तो अगर हम एक्स एक्सिस पे रहेंगे तो वाई की सिमत में वो कोई फासला तय नहीं करेगा तो जीरो आ जाएगा, और अगर आप वाई एक्सिस पे रहेंगे तो एक्स एक्सिस की सिमत वो कोई फासला तय नहीं करेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट, ए इज इक्वल टू नाइन और बी इज इक्वल टू सेवन। तो सो पी पॉइंट बन गया आपके पास नाइन कॉमा जीरो और क्यू पॉइंट बन गया आपके पास जीरो कॉमा सेवन। तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू पॉइंट इक्वल होगा एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस
वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वेयर। तो एक्स टू की वैल्यू प्लेस करते हैं, और एक्स वन और इसी तरह वाई टू और वाई वन, तो एक्स टू है 0 माइनस यहाँ 9 होल स्क्वेयर, प्लस वाई टू है 7 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो माइनस 9 होल स्क्वेयर प्लस 7 होल स्क्वेयर, एटी वन, 49। तो ये डिस्टेंस है पी क्यू के दरमियान। सेकेंड पार्ट, ए है 2 और बी है 3, तो पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, सो पी ए कॉमा 0, और क्यू ऑन वाई एक्सिस, सो क्यू इज इक्वल टू 0, B। नाउ P बन गया आपके पास 2, 0 और Q बन गया 0, 3। तो P और Q के दरमियान जो डिस्टेंस है फार्मूले की फॉर्म में, वो X2 माइनस X1 होल स्क्वेयर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वेयर। वैल्यूज प्लेस करते हैं, 0 माइनस 2 होल स्क्वेयर और 3 माइनस 0 होल स्क्वेयर। तो -2 होल स्क्वेयर प्लस 3 होल स्क्वेयर, तो यहां 4 प्लस 9, तो पी और क्यू डिस्टेंस आपके पास आ गया √30। क्वेश्चन नंबर 2 और थर्ड पार्ट है, ए आपके पास है -8 और बी आपके पास है 6। पी ऑन एक्स एक्सिस, सो पी पॉइंट A, 0 और क्यू ऑन वाई एक्सिस, सो क्यू है 0, B। नाउ पी पॉइंट बन गया -8, 0 एंड क्यू पॉइंट बन गया आपके पास 0, 6। पी क्यू डिस्टेंस इज इक्वल X2 माइनस X1 होल स्क्वेयर प्लस Y2 माइनस Y1 होल स्क्वेयर। जीरो माइनस -8 होल स्क्वेयर और 6 माइनस 0 होल स्क्वेयर, 0 प्लस 8 होल स्क्वेयर, 6 होल स्क्वेयर। तो यहां 8 होल स्क्वेयर प्लस 6 होल स्क्वेयर, तो 64 प्लस 36 होल रूट
और ऐड करने से 100 आंसर आया, और 100 का अगर हम स्क्वेयर रूट लें तो 10 आपको हासिल। तो पी क्यू डिस्टेंस है 10। क्वेश्चन नंबर टू, फोर्थ पार्ट। ए है -2 और बी है आपके पास -3। पी ऑन एक्स एक्सिस, सो पी ए कॉमा 0, और क्यू ऑन वाई एक्सिस, सो क्यू 0, बी। नाउ पी आपके पास बन गया -2, 0 एंड क्यू 0, -3। पी क्यू डिस्टेंस है x2 - x1 होल स्क्वेयर, y2 - y1 होल स्क्वेयर। प्लस -3 - 0 होल स्क्वेयर। माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वेयर प्लस -3 होल स्क्वेयर आपको हासिल हुआ 4 + 9। और पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला की मदद से डिस्टेंस हासिल हुआ 13 रूट। क्वेश्चन नंबर टू, फिफ्थ पार्ट। ए इज इक्वल टू √2 और बी इज इक्वल टू 1। पी ऑन एक्स एक्सिस, सो पी है a, 0 एंड क्यू ऑन वाई एक्सिस, सो क्यू 0, b। नाउ पी पॉइंट बन गया आपके पास √2, 0 और क्यू पॉइंट बन गया आपके पास 0, 1। तो हम पी क्यू डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं x2 - x1 होल स्क्वेयर, y2 - y1 होल स्क्वेयर। तो y x2 की जगह पे आप रखेंगे 0 और इसी तरह 1 - 0, -√2 होल स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो यहां स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो 2 और प्लस 1 तो 3 रूट। और पी क्यू डिस्टेंस आपके पास आया √3। क्वेश्चन नंबर टू है और सिक्स्थ पार्ट है। ए है -9 और बी वैल्यू है आपके पास -4। पी ऑन एक्स एक्सिस, सो पी है a, 0
और क्यू ऑन वाई एक्सिस, सो क्यू जीरो कॉमा बी. नाउ पी की वैल्यू बन गई -9, 0 एंड क्यू 0, -4. तो पी क्यू डिस्टेंस इक्वल है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो यहां आपके पास आया 0 - -9 होल स्क्वायर और -4 - 0 होल स्क्वायर. -+9 होल स्क्वायर -4 होल स्क्वायर. आपको हासिल हुआ 81 + 16 और ये 97. तो PQ डिस्टेंस है 97.